हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल तो वेरी रिसेंटली हम लोगों ने जस्माायरा का ओसीआई कार्ड अप्लाई किया था क्योंकि जिसमायरा इज़ बॉर्न हेयर इन कैनेडा एंड ओसीआई कार्ड इज़ बेसिकली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दोज आर लिविंग एंड बॉर्न इन फॉरेन लैंड एंड देर रूट्स आर कनेक्टेड टू इंडिया सो फॉर देम टू ट्रेवल बैक टू इंडिया ईदर दी नीड अ वीज़ा और दे नीड एन ओ कार्ड हम लोगों ने सोचा कि लेट्स नॉट गो विद द वीज़ा एंड लेट्स गो विद ओसिया कार्ड क्योंकि इसकी लॉन्गर ड्यूरेशन होती है एंड देर इज नॉट मच हैसल अगेन एंड अगेन सो हमारे केस में हम लोग चार साल हो चुके हैं इंडिया नहीं जा पाए पहले पेंडेमिक आ गया और फिर उसके बाद जस मायरा उन्न एंड देन फिर बहुत सारी और चीज़ें भी चल रही थी तो हम लोगों को चांस नहीं मिला इंडिया जाने का बट नाउ प्लान आर टेंटेटिव बट वी आर जस्ट थिंकिंग टू मेक अ प्लान एंड विजिट इंडिया तो हम लोग जिसमायरा का ओ सी आई कार्ड जस्ट अप्लाई किया तो वी जस्ट थाट ऑफ शेयरिंग एन इन्फॉर्मेशन विद यू क्योंकि जब हम लोगों ने अप्लाई किया वी जस्ट केम अक्रॉस फ्यू चैलेंजेस तो वी जस्ट थाट कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर करना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे हम लोग जैसे लोग होंगे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आएंगी वाइल दे अप्लाई फ़ॉर एन ओ सी आई कार्ड तो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ डिस्कलेमर हेयर कि आई एम नॉट अ कंसल्टेंट नॉट एन एजेंट हु हेल्प्स इन अप्लाइंग एन ओ सी आई कार्ड ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है एंड मेरे खुद के रिसर्च से है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बाकी मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें सो दैट यू गेट मोर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट और जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल बाकी शेयर लाइक कमेंट तो आप लोगों को पता ही है वो तो प्लीज कर ही देना क्योंकि हम लोग को फीडबैक मिलता है और हम आने वाली अपनी वीडियोज को और इम्प्रूव करते हैं तो लेट्स नॉट तो ले तो वेस्ट मच टाइम एंड लेट्स स्टार्ट टू वीडियो सो इन दिस वीडियो फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिक्स बुलेट पॉइंट तो वो हैं हाउ टू अप्लाई एन ओ सी आई कार्ड और व्हाट्स द मीडियम टू अप्लाई फॉर दैट व्हाट ऑल फॉर्म्स वी नीड टू अप्लाई फॉर एन ओ सी आई कार्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे वॉट विल बी द फीस फॉर दैट वन हाउ मच विल बी द प्रोसेसिंग टाइम एंड उसके बाद विल विल टॉक अबाउट डिस्क्रिपेंसेज एंड टिप्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिस्टेक्स तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसी आई कार्ड को कैसे अप्लाई करना है और किस मीडियम के थ्रू अप्लाई करना है सो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो कि उस आई कार्ड को इशू करती है हु वर्कस इन कलेबोरेशन विद बी एल एस इंटरनेशनल सर्विसज जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करके वैलिडेट करती है एंड आगे फर्दर प्रोसेस कराने में हेल्प करती है तो अब हमें जाना पड़ेगा सीधा बी एल एस की वेबसाइट पे एंड देन वी हैव टू गो थ्रू ऑल द स्टेप्स टू गो ऑन एन ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन तो सीधा चलते हैं बी एल एस की वेबसाइट पे और फॉलो करते हैं स्टेप्स को टू गो फर्दर विद द एप्लीकेशन बट पहले थोड़ा सा जूस पी लेते हैं क्योंकि मुंह सूख गया बोलते बोलते जब आप बी एल एस इंटरनेशनल की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको तीन डिफरेंट जुरिस्ट्रिक्शन दिखेंगी टोरोंटो ऑटवा एंड वैकोवर यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपकी प्रोविंस कौन से जोरिस्ट्रिक्शन के अंडर आती है हमारे केस में हम न्यू ब्रंसविक में आते हैं इसलिए हम टोरोंटो जुरिस्टिक्शन के अंडर अप्लाई करते हैं सो लेट्स गो विद टोरोंटो जोरिस्ट्रिक्शन एंड प्रोसीड विद दिस वेबसाइट जब आप ये खोलेंगे तो आपको ओ का एक ऑप्शन दिखेगा आपको वहाँ पे क्लिक करना है एंड देन दैट विल ओपन फ्यू डिफरेंट टैब्स यहाँ पे आपको दिखेगा इंफॉर्मेशन टैब एप्लीकेशन फीस डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स प्रोसेसिंग फीस एंड फॉर्म्स इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगी कि जब आप अप्लाई करेंगे जस्ट गो ओवर विद दिस इन्फॉर्मेशन क्योंकि टाइम टू टाइम गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं यू नेवर नो कि आप लोग कुछ मिस कर दो बिफोर यू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट मेक श्योर दैट यू रीड आउट दिस इन्फॉर्मेशन लेट्स गो ऑन फॉर्म्स एंड सी वॉट ऑल फॉर्म्स वी नीड जस मायरा के केस में सिंस शी इज बॉर्न हेयर तो वी जस्ट नीड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नो ऑब्जेक्शन लेटर बट फॉर दोज हु आर बॉर्न आउटसाइड ऑफ कैनेडा बट दे आर कनेडियन सिटीजन उन लोगों को क्लियरेंस फॉर्मेट भी चाहिए और ओ सीआर रेफरेंस फॉर्म भी चाहिए तो बिफोर वी ओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मैं एक बार नो ऑब्जेक्शन लेटर ओपन करके आपको दिखा देती हूँ उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है सो दिस इज ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यू जस्ट नीड टू गिव योर डिटेल्स यहाँ पे आपको मदर और फादर ऑफ अ माइनर एप्लीकेंट की एक एक फोटोग्राफी चाहिए जिसका कोई साइज स्पेसिफिक नहीं है यू कैन गिव एनी साइज़ ऑफ पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ एंड इट हेयर ऑन दिस नो ऑब्जेक्शन लेटर तो अब हम इसको बंद कर देते हैं एंड लेट्स गो डायरेक्टली टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट क्लिक हेयर एंड दैट विल टेक यू टू दर्नल ऑफ इंडिया वेबसाइट जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है बिफोर दे लेट अस टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन जस्ट रीड ओवर विद दिस वन बिफोर यू क्लिक ऑन प्रोसीड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसके साथ साथ प्री रिक्विज्स भी बताए हुए हैं जिसमें मैंशन किया हुआ है दैट यू हैव टू बी रेडी विद द एप्लीकेंट्स इमेज एप्लीकेंट सिग्नेचर इमेज और उसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में हम आगे जब बढ़ेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में तब बात करेंगे यू कैन जस्ट स्क्रोल दिस एंड सेलेक्ट द आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट नाउ वी विल एंटर द फिल कैप्चर टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन सो लेट्स फिल द कैप्चर

फिल न्यू एप्लीकेशन फॉर्म इसको शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू मैंशन ये फॉर्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए में बेसिक एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन दी होती है उसके बाद आपको वो एप्लीकेंट की इमेज और एप्लीकेंट की सिग्नेचर अपलोड uh, करने के लिए बोलता है देन दैट विल टेक यू टू द पार्ट भी जिसमें बेसिक क्वेश्चन आंसर्स हैं यू हैव टू फिल दैट अप अलोंग विद डिटेल्स जो आपके इंडियन रूट के साथ कनेक्टेड हैं, सो वंस यू अपलोड दैट उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सो लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड फिलअप दिस फॉर्म ंस यू फिलअप दी पार्ट एफ देशन आपको वो वेरीफाई करने के लिए इन्फॉर्मेशन पेज दिखाएगा यू जस्ट नीड टू वेरीफाई ऑल योर इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव एंटर्ड बिफोर यू सबमिट सो एक बार यहां पर क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक भरा है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट सो वंस यू सबमिट पार्ट ए

Uh, attach that uh, photo with the application form now we will be uploading the image and the signature image so for that one you have to click on yes i'm ready with the image so let's upload the image so we have just taken a dummy image so we will be selecting that one and this will how it looks like so we can crop it so if you see so now it says crop selection is fine now we will go over to the applicant signature so this is how it looks like we can just crop that one so we have just cropped it now it says crop selection is fine so now we can just upload it So now that will show you what all documents you need to upload so these are the document list you have to click on proceed to part B so once you click on proceed to part b as i've already mentioned there will be few questions that you need to answer so these are some yes or no questions for our case it was it was all no so we have just selected no now you have to mention the acquisition method so it's by birth that will uh, mention the date of birth here now you have to mention do you have relatives staying in canada so here you have to mention uh, the details of your indian roots so now you have to click on submit the application so once we'll submit that so now you're done with all the application details now the next part is to upload the supporting documents so before uploading the supporting documents we will just discuss what all supporting documents we need तो लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वैसे तो बी की वेबसाइट पर चेकलिस्ट दी हुई है बट यहाँ पे हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स विद दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करने हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें सबसे पहले चाहिए पासपोर्ट उसके बाद वी नीड बर्थ सर्टिफिकेट दैट शुड बी द लॉन्ग बर्थ सर्टिफिकेट जिसके ऊपर पेरेंट्स का नाम मैंशन होना चाहिए Third thing that we need is photograph that should be the size of 51 by 51 mm. In case of parents' documents, we need passport copy for both front and back, marriage certificate, PR card copy, PR confirmation copy, and address proof. Address proof ke case me we can send license as well. Now here you need to make sure all the documents should be self attested. by both the parents and you have to mention on the documents that I certify that this is a true copy of the original. to ye to baat rahi supporting documents ke bare mein तो now let's talk about कि कितनी fees लगती है to apply for an OCI card. तो जैसे कि आप लोग screen पे देख रहे हो आपको दो डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पड़ते हैं सबसे पहला डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा कॉन्सलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो के नाम से जो कि बनेगा 345 डॉलर्स का और उसके साथ साथ दूसरा ड्राफ्ट बनेगा बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज कनाडा इनकॉर्पोरेशन के नाम से जो बनेगा सेवन डॉलर एंड फोर्टी सेंट्स तो ये तो दो ड्राफ्ट विद दी एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे यहाँ पे एक एडिशनल फीस भी होती है जो कि प्यूरोलेटर सर्विसेज की होती है जो प्योरेटर सर्विसेज आप लेंगे वो डिफर करती है जुरुजडिक्शन टू जुरुजडिक्शन और ये उनके लिए है जो ऑन में प्रेजेंट नहीं है और इन पर्सन जाके फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते दे हैव टू ऑप्ट फॉर प्योरोलेटर सर्विसेज एंड इट ऑल डिफर्स फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन सो यू कैन चेक ऑन द बी एल एस वेबसाइट या आप बी एल एस को कॉल करके भी पता कर सकते हैं एंड दे कैन क्रिएट अ लिंक फॉर यू टू पे द पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज बाय द प्योरोटर तो दैट्स द बेस्ट पार्ट सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग टाइम फॉर द इशुएंस ऑफ ओसीआई कार्ड बी एल एस की वेबसाइट पे मैंशन करा हुआ है दैट इट्स टेकिंग फोर टू फाइव वीक्स बट जब मैंने बीएलएस को कॉल करके पता किया था दे टोल्ड मी दैट नाउ इट्स टेकिंग मोर देन सेवन वीक्स और अब मैं जब वीडियो बना रही हूं इट्स ऑलरेडी बिन सेवन वीक्स वी डिड नॉट रिसीव दी ओ सी आई कार्ड

तो ये चीजें दिमाग में रखें वेन यू अप्लाई फॉर एन कार्ड कार्ड सो दिस ऑल अबाउट हाउ टू अप्लाई एन फॉर अ माइनर एप्लीकेंट आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल प्लीज कमेंट करके बताना इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं बाकी प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय